नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर करंट हेवन के। आपका तहे दिल से स्वागत है, आपका हृदय तल से स्वागत है साथियों, कि आप हमारे चैनल से अपने परिवार से जुड़े हैं और यहाँ से कुछ सीखते हैं और कुछ हासिल करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, इस वीडियो की बढ़पन बतिया बतलाते हैं। देखिए, हम आपका यह पर्यावरण का सेशन है और यह एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सेशन कहा जा सकता है। पर्यावरण में मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब ऐसा तो कदापि नहीं है या फिर कदाचित नहीं है कि यह केवल यूपी टेट के लिए है, है ना। अब ऐसी बात नहीं कि यूपी टेट से यहाँ से नहीं आ सकता क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ हमारे इस पर्यावरण सेशन से ही आएंगे। आपका 30 नंबर आएगा, हम 50 टॉपिक देकर जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताना जरा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? हर उस टॉपिक को टच करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 100% क्वेश्चन इसी जगह से आने वाला है। बेशक आप सारे क्लासेस से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, 120 प्लस तो कहीं नहीं गया। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 145 लाएंगे, नहीं, आप 130 तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छा से अच्छा बंदा भी बैठे ना, पहली बार में बैठे, अच्छा सा बेहतरीन तैयारी कर बैठे, बेहतर बन के बैठे, तो भी उसका 130 प्लस शायद ही आए मेरे ने। लेकिन आ सकता है भाई, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगा, आ सकता है। वो अपना एक अलग कंडीशन है, बच्चा मेहनत किया है भाई, आएगा, बेहतरीन आएगा और बेहतर परिणाम आएगा। बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप, अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, ये हमारा वादा है। सिर्फ आप सारे क्लासेस का इतना बार रिविजन मार दें कि शायद ही एक क्वेश्चन बच निकले आपसे, एक क्वेश्चन छूट जाए आपके आंखों से, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करें। सारे सब्जेक्ट हमने लाइन से सजा रखे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आपका SST हो। SST और पॉलिटी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो जाता है, क्योंकि वो आपके सुपर टेट के लिए हम तैयारी करवाएंगे उसका। लेकिन पहले जितना ये इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, वैसा नहीं कि यहां से सुपर टेट में नहीं आएगा, आएगा 101% आएगा, लिख कर ले लीजिए। अब हमें बहुत ज़्यादा गहनता से और बहुत ज़्यादा विरलता से अध्ययन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा घुस कर उसमें नहीं जाना है हमको कि उसमें घुस कर नहा लें, ऐसे नहीं अध्ययन करना है हमको। हमको पढ़ना तो है, सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उस पॉइंट को पढ़ना है जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट उठाए जाते हैं। तो हम ऐसे ही टॉपिक आपके सामने लाते हैं हमेशा कि आप वहाँ से एक नंबर स्कोर कर लें अपना, क्योंकि आना तो है एक नंबर, इस टॉपिक से एक नंबर आपका तय है, लिख लीजिए। और आपको ये टॉपिक अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, या आप खुद से सवाल करें, आखिर क्या आपने 6, 7, 8 अच्छे से नहीं पढ़ा? क्या आपने 9 की बुक नहीं पढ़ी? 9th का सिलेबस आपके पास नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? ये सारी सवाल आपसे अपने आप से करिए आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बाकी क्लासेस आप रिविजन जारी रखें अपना और सहयोग बनाए रखें। 100% हमको सफलता मिलने वाली है, बस आप लोग शेयर कर दिया करें, स्टेटस लगा दिया करें, अन्यथा आप तो जान नहीं सकते हैं। मेहनत आपके लिए होती है तो खैर जिम्मेदारी भी आपकी होती है। आज इस टॉपिक में हमें बात करना है, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का ठंडा मरुस्थल कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, आखिर एशिया में कितने मरुस्थल हैं, एशिया में कौन सा मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल कितने हैं, आखिर कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल बेशक इस वीडियो से जुड़े रहें लास्ट तक और आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं, अगर मरुस्थल हमारे कॉन्टिनेंट्स में ईस्ट में पाए जाते हैं या फिर वेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम एक ड्रॉ करें छोटा सा मैप ऑस्ट्रेलिया का या फिर अपने भारत का, अपने भारत के नज़र से हम देखें, इधर हमारा नॉर्थ होता है भाई, ये मैप का कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है एंड इधर क्या होता है भाई, वेस्ट होता है। अगेन हम आगे करते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सबको पता है, 100% सबको पता है और पता होना भी चाहिए, ठीक है भाई। देखिए अब इधर अगर बात करें अपने भारत का, तो भारत की स्थिति हमारे यहाँ पर है, हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर है। इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखें तो देखिए, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने भारत के बारे में जानें, आपको बेहतर चीज़ दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे से डील करें। अगर हमारा भारत यहाँ पर है, यहाँ पर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, पूरे मैप में देखें तो, पूरे विश्व के मैप में देखें तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन एशिया में देखें तो साउथ में है। कहाँ पर है? केवल एशिया के नज़र से देखें भारत को तो एशिया में भारत साउथ में पड़ता है, साउथ में कहा जाता है, भारत साउथ का सबसे बड़ी कंट्री है।
एशिया में साउथ एशिया की भारत सबसे बड़ा कंट्री है ये कहा जाता है। ये कहा जाता है क्या है ना। तो देखिए अगर हम भारत का मैप यहाँ पे ड्रॉ कर दें बच्चों, यहाँ पर ड्रा कर दें भारत का मैप, तो अगर हम आपसे पूछें भारत में कौन सा मरुस्थल है तो सारे बच्चे बताएंगे, बेशक बताएंगे कि थार मरुस्थल है। बेशक सारे बच्चे बताएंगे थार मरुस्थल है। पूछ देंगे कहाँ पर है तो बच्चे ये भी बता देंगे कि थार मरुस्थल सर पाकिस्तान में कुछ फैला हुआ है, कुछ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वह, और कुछ हमारे गुजरात से टच होता है, थोड़ा बहुत दिल्ली तक आ जाता है। अब तो यूपी का भी कुछ मार्ग जो है वह तय कर रहा है। आने वाले समय में यूपी प्लस मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला इलाका शायद पूरा का पूरा मरुस्थलीकरण हो जाए उसका, अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाया गया तो सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी कि हमारा जो हमारा मरुस्थल है थार मरुस्थल इधर पड़ता है। अच्छा इधर क्यों पड़ता है, इधर ही क्यों पड़ता है थार मरुस्थल, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्यों गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस सब का सब वायुमंडल से जुड़ा हुआ तथ्य है, आप देख सकते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे जलवायु से जुड़ी हुई सारे तथ्य है। क्योंकि जो ठंडी हवाएं चलती हैं साथियों, या मतलब जो बारिश होता है अधिकतर हमारे इस वाले रीजन में होता है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह हमारे भारत में ही है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में मौसिनराम, चेरापूंजी, मौसिनराम इस समय है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। चेरापूंजी हो चाहे मौसिनराम हो, दोनों जगह 1000 से ऊपर सेंटीमीटर बारिश होता है डेली 4 बजे। वैसे तो हमारे भूमध्य रेखीय इलाके में हमेशा और हमेशा बारिश होती है 4 बजे, और वहाँ पे उमस भरा दिन होता है और रातें बहुत ठंडी होती हैं, है ना। तो यह बात आप मान लें कि आपका जो मरुस्थल है, चाहे जिस भी कॉन्टिनेंट की बात करें हम, अगर ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, या मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया आपका है, तो ऑस्ट्रेलिया में सारे के सारे मरुस्थल इधर ही पाएंगे, पश्चिम में पाएंगे, ये चीज़ याद रखें। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका का मैप इस प्रकार से कुछ है, ऐसे है। तो यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेगा, आखिर क्यों इधर मिलेगा, इसका कारण जानना चाहते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा अधिकतर बारिश होती है भारत में या फिर पूरे विश्व में, वो पूर्व वाले इलाके में होती है, और पूर्व से ही जलवायु आती है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से जलवायु काफ़ी अच्छी खासी आती है, वैसे दक्षिण भारत से आती है जून महीने में, जून जुलाई महीने में, और लास्ट 22 जून जुलाई तक पूरा भारत में फैल जाता है, लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक मानसून लौटता है। और ठंडी बार मतलब ठंडे के दिन में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है हमारे भारत में, ठंडे के दिनों में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है हमारे भारत में कहाँ पे होता है बताएंगे, दक्षिण भारत में, जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर आपका पूरा बहुत ज़्यादा बिजोड़ बारिश होती है। क्योंकि उस समय मरुस्थल सॉरी उस समय जलवायु लौटती हुई मानसून होती है हमारी, और खूब बारिश कराती है कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले रेंज में। तो यानी कि आपको यह समझ जाना चाहिए जिधर बारिश नहीं होगी उधर ही हमारा मरुस्थल होगा, यानी इधर बारिश नहीं होता, इधर बारिश होता है लेकिन कम होता है, गर्म हवाएं चलती हैं इधर। क्यों चलती हैं, एक दिन जलवायु का सेशन बनाएंगे और ये सारी बातें आपको समझाएंगे उसमें। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं, आप समझ जाएं तो अच्छा है। वैसे जलवायु का एक अलग सेशन लगाएंगे आपके लिए, बस थोड़ा सा यूपी टेट का आपका पेपर हो जाए बस। तो यह पूरा का पूरा इलाका हमारा क्या है, भारत की रेस्पेक्ट में बात करें तो यह पूरा मरुस्थलीकरण है। क्योंकि इधर पर बारिश कम होती है, उमस भरा दिन होता है, गर्म, इसे क्या बोलते हैं हम लोग थार मरुस्थल को, क्या बोलते हैं, गर्म डिजर्ट, गर्म मरुस्थल। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं भाइयों, दो प्रकार के, कौन कौन से याद रखना, कौन कौन से, ठंडी मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। हम आपको हर एक चीज बताने वाले हैं कि ठंडी मरुस्थल सबसे बड़ा विश्व का कौन सा है, गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, हर एक चीज हम बताते हैं, उसको आप लिखते चलेंगे। पहले हम बताएंगे बोलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग भी अच्छे ढंग से उसको लिख लेंगे, रिविजन कर लेंगे। माय लॉर्ड आगे बढ़ा जाए, चलिए इजाजत हो तो आगे बढ़े। बताइए सारे बच्चे जिनको अच्छा लगता है वह एक बार दो बार नहीं तीन तीन बार सेशन को देखा करें, 100% कोई सिलेक्शन रोक ले भाई, कोई रोक ले सिलेक्शन, कहाँ से आएगा, हर टॉपिक जो हम टच कर देंगे तो बताना कहाँ से आएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं हमेशा, घबराना मत कभी नहीं। बेशक जो चीज़ें हों उसको कमेंट में लिख दिया करें कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ आती, इस पर एक वीडियो आनी चाहिए, बेशक आएगा, चाहे वो एक वर्ड भी क्यों ना हो, बेशक बनाएंगे, एक मिनट का ही वीडियो आएगा लेकिन आपके लिए सेपरेटली आएगा, 100% आएगा, ठीक है, थोड़ी लेट हो लेकिन आएगा जरूर। अब हम बात करते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, पहले बड़े से छोटे क्रम में आते हैं, पहले जो जनरली चीज़ है जो सबको आने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद सबके बारे में बताएंगे कौन सा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट से। देखिए पूरे विश्व का मात्र एक कॉन्टिनेंट है ऐसा यूरोप, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो इसको तो पहले हम मरुस्थलीकरण से बाहर निकाल देते हैं। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, आप इसे याद कर लेंगे,
ठीक है ना भाई, बताओ याद हो गया? यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, याद हुआ? अच्छी बात है। अब ये पांचों के पांचों बचे, वैसे तो आप कहेंगे सर सातवां हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, जो सातवां कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो खुद एक मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ना। तो सारी बातें करते हैं, बस आप लोग लिखते चलेंगे। देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे साथियों, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, चाहे वह गर्म, केवल गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो गर्म के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताएंगे सहारा मरुस्थल है। कहां पर है तो बताएंगे हमारे अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहां पर है तो नॉर्थ वाले रीजन पर है। अफ्रीका के पूरा उत्तरी अफ्रीका जो है पूरा फैला हुआ है, थोड़ा बहुत अरब की तरफ भी आता है, यानी कि एशिया को भी थोड़ा टच करता है, याद रखना। अगर ऑप्शन में कभी सहारा मरुस्थल दिया हो, पूछे कि कहां पर पाया जाता है, और अफ्रीका ना देकर उसमें एशिया दिया है तो एशिया टिक कर देना, ठीक है। अगर ऑप्शन में एशिया भी है और इनमें से कोई नहीं भी दिया है तब भी एशिया को टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वह एग्जामिनर यही चाहता है कि आखिर बच्चे को कितना मैप आता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में भी कहां पाया जाता है बताएंगे, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अगर अफ्रीका नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम एशिया टिक करेंगे, ठीक है। इसको अरबी सहारा मरुस्थल भी कहते हैं, याद रखना, अरबी सहारा मरुस्थल भी कहते हैं। ये पूरे विश्व का सबसे विशालतम गर्म मरुस्थल है, जो कि हमें याद रखना चाहिए। अगर बात करें इस सहारा मरुस्थल का कितना फैलाव है, कितना एरिया है, तो याद रखना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, यानी कि 90,65,000 किलोमीटर में वर्ग में फैला हुआ है, 90,65,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताएंगे लिबियाना, या फिर लिबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह हमारे अफ्रीका में पाया जाता है, यह भी अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखना। अफ्रीका में कहां? जस्ट सहारा के बगल में है ना, तो याद रखना लिबियन मरुस्थल। विश्व का दूसरा मरुस्थल भी अफ्रीका में ही पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उसी जगह पाया जाता है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल लिबियन मरुस्थल या फिर लिबियाना मरुस्थल, यह भी हमारे अफ्रीका में ही पाया जाता है। लेकिन केवल और गर्म के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है भाई, ठंडे के ऊपर चलते हैं अभी, ठंडे के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल 90,65,000 वर्ग किलोमीटर में, दूसरे नंबर पर लिबियाना मरुस्थल 16,83,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल 15,54,000 वर्ग किलोमीटर में। अब ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप बनाए हम इस प्रकार से, कुछ इस देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस इलाके में बारिश होता है, यहाँ बारिश नहीं होता है, यहाँ पर जलवायु पहुँचते पहुँचते इसी जगह सोख लिया जाता है मौसम द्वारा, क्योंकि यहाँ पर उमस भरा दिन होता है, वाष्प बन जाते हैं सारी चीज़ें, पानी वाष्प बन जाती है, यहाँ पर गर्म इतना ज़्यादा उमस भरा है ना कि सारी जितनी भी समुद्र में गर्माहट होती है वो इसी जगह है, इस वाले इलाके में। हर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो, चाहे वो जो भी कॉन्टिनेंट्स हो, अगर एक देश के रिस्पेक्ट में बात करें तो भी, उस देश में भी देखेंगे तो पश्चिम की तरफ सहारा होगा, या पश्चिम की तरफ उमस भरा दिन होगा, पश्चिम की तरफ ही बालू वाला तरफ बालूकरण होगा, और पूरब की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी। यह हर देश में, हर कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, जलवायु वाले सेशन में हम आपको समझा देंगे भाई, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए, साथ देते रहिए, शेयर शेयर कर दीजिए बस मेरे प्यारे मित्रों, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही तो हम मानते हैं, यही तो मनाते हैं प्रभु से, कि आपको ऐसी ऐसी सारी चीज़ें दे दी फ्री में, कि जो शायद ही आपको कहीं मिलता हो। हर चीज़ देंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड देंगे, बस आप लोग शेयर कर दो, मेरी बात मान लो, भाई मान लो, मुझे अपना दोस्त मान लो, बस शेयर कर दो, जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला लो। ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पर हो गया, पहले नंबर पर सहारा, दूसरे नंबर पर लिबियाना, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन। चौथे नंबर की अगर बात करें साथियों, चौथे नंबर पर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, वो भी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो दो चीज़ हम आपको बता दिए, सहारा मरुस्थल, लिबियाना मरुस्थल पहले दूसरे पर, ये दोनों अफ्रीका में पाए जाते हैं, और तीसरे चौथे पर जो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, ये दोनों के दोनों हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चारों क्रम से याद हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब पूरे विश्व के सबसे छोटे मरुस्थल की बात करें, पूरे विश्व की सबसे छोटे मरुस्थल की अगर बात करें साथियों, तो कनाडा में पाया जाता है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। कनाडा अंटार्कटिका से सटा हुआ है, एक तरह से अंटार्कटिका में आधा भाग उसका आ जाता है। आधा भाग क्या, लगभग सारी बातें वहाँ पे, साइबेरियन एरिया, मतलब कि एक तरह से कर लीजिए, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जनसंख्या रहती है। तो कनाडा भी एक तरह से
मरुस्थल वाला देश है, वहां पर भी मरुस्थल पाया जाता है। तो सबसे छोटा विश्व का मरुस्थल कौन सा है? यूकोन सूबे। क्या नाम है? यूकोन सूबे। एक जगह है कनाडा का, यूकोन सूबे। क्या नाम है? यूकोन, यूकोन सूबे। यूकोन सूबे एक जगह है कनाडा का, इसी में पाया जाता है एक छोटा सा विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, मात्र और मात्र मात्र 1 किलोमीटर, महज 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, उसे आप पैदल चलकर माप सकते हो। उसका नाम है कारक्रास डेजर्ट। क्या नाम है? कारक्रास, कारक्रास डेजर्ट, डेजर्ट नाम है। इसे मात्र आप 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में होता है, 1 किलोमीटर वर्ग के एरिया में फैला हुआ है। इसे आप मात्र चलकर अपने कदमों से माप सकते हैं, इसे, है ना, इतना छोटा है, समझ सकते हैं। जहां सहारा मरुस्थल पूरे दुनिया का 90,65,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, वहां पर 1 किलोमीटर सबसे छोटा डिजिट, याद कर सकते हैं, यह प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा एशिया की तरफ, कुछ करते हैं भाई, है ना। चलिए दोस्तों, थार मरुस्थल की अगर बात करें, भारत में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है थार मरुस्थल, यह भी याद है आपको। अब थार मरुस्थल भारत के किस किस राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत वाला पंजाब, यह पांचों के पांचों, यानी कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और सिंध प्रांत, कौन सा? जो पाकिस्तान वाले में है, याद रखना। तो वह सारे के सारे एरिया पंजाब भारत में, पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब पाकिस्तान वाला नहीं, भारत वाले पाकिस्तान, भारत वाले पंजाब में पाया जाता है थार मरुस्थल, और उधर जो पाकिस्तान में है सिंध वाला इलाका, वहां पर पाया जाता है थार मरुस्थल। यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका दोस्तों थार मरुस्थल से है। थार मरुस्थल एशिया में पाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। अगर एशिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो एशिया में एक हमने याद कर लिया, कहां गया, एशिया में हमने एक चीज याद कर लिया, अफ्रीका भी हमने देख लिया, सहारा मरुस्थल, सहारा अफ्रीका में, और लीबियन, लीबियन मरुस्थल, लीबियन, यह देख लिया। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, और एक कौन सा देखा था ऑस्ट्रेलियन के बाद, एक हमने और देखा था ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अभी बहुत सारे हैं लेकिन इसको हमने नाम ले लिया है, तो यहां पर लिखना अनिवार्य हो जाता है, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये तो ऑस्ट्रेलिया के दो हमने नाम जो लिया भी अभी है, अभी सारे हैं, बहुत सारे हैं, देखना। उत्तरी अमेरिका का भी नाम नहीं लिया लेकिन एक लिया है, कनाडा का, जो सबसे छोटा है, कनाडा भी तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है भाई, उत्तरी अमेरिका का ही देश है, सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का, याद रखना। यूकोन सूबे जो कनाडा का एक क्षेत्र है, वहां पर कारकास डेजर्ट, जो पूर्वी विश्व का सबसे छोटा डेजर्ट है, कारकास, कारकास डेजर्ट, याद रखना साथियों, डेजर्ट साथियों, आपको सिर्फ नॉलेज से मतलब होना चाहिए, इतना पढ़ लो ना एग्जाम में कहीं से आ जाए फोड़ कराना है, याद रखना। सुपर टेट के लिए बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही है अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के साथ, क्योंकि यूपी टेट का सब्जेक्ट इतना वास्ट है ना कि अगर आप साहब सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक को अगर टच कर दो ना तो सुपर टेट निकल जाएगा। सी टेट की बात मत करो, सी टेट के लिए तो अलग ही माजरा है कुछ, उसमें जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हो वो उसका पैटर्न भी चेंज होता रहता है ना, अगले साल से बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं आपको, यह चीज़ हो गया। अभी दक्षिण अमेरिका का बात हमने किया ही नहीं, तो दक्षिण अमेरिका थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में एक चीज़ और याद रख लेंगे, उत्तरी अमेरिका की जब बात हो ही रही तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं भारत की तरफ, कुछ करते हैं। सोनरन मरुस्थल और ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और सोनरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, सोनरन, सोनरन, सोनरन मरुस्थल और ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। राइटिंग पे मत जाइएगा, हमारा राइटिंग तो फुल है लेकिन ठीक ठाक, अगर समझ में आ रहा है तो इसे लिख लीजिए, 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका में इतना पढ़ लेना है। सोनरन मरुस्थल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना मोस्ट लगा सको लगा लो। कारकास मरुस्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल, क्योंकि सबसे छोटा मरुस्थल बहुत कम पूछा जाता है। सहारा मरुस्थल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90,64,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ये चीज याद रखना। लीबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल लीबियन पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखना। इसका जो क्षेत्र है वो 16,83,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 16 लाख के आसपास, तो दूसरा हो गया सबसे बड़ा मरुस्थल। तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, चौथा ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हैं, बताने वाले हैं क्रम से। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है उसको भी बताएंगे, पहले क्रम से चलिए। दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 है, नाबीब
और एक कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी, एक मिनट, वो तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी है ना, लिख लीजिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका साथियों। दक्षिण अमेरिका में दो मरुस्थल और है साथियों, मतलब अफ्रीका के बिल्कुल नीचे आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका के जस्ट नीचे, तो वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल और नाबीबिया मरुस्थल, नाबीब उसे कहते हैं, नाबीब, नाबीब मरुस्थल, और एक और है कालाहारी मरुस्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी, नाबीब, दक्षिण अफ्रीका, सहारा, लिबियन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, कारकास डेजर्ट जो कि पूरे विश्व का सबसे छोटा डेजर्ट है, मात्र 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, कनाडा में पाया जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। सोनरन मरुस्थल, यह भी उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यह भी उत्तरी अमेरिका में। बताना अब कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, अभी आगे चलते हैं, घबराना मत, अभी खत्म नहीं हुआ है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ पे हम चलेंगे, अभी क्रम से फिर से देखेंगे, एक बार रिविजन करेंगे, कहीं छूट ना जाए कुछ, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग, यह देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका में बस इतना ही है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में इतना है, उत्तरी अमेरिका में भी इतनी ही सिर्फ पढ़ने हैं, यानी यह दोनों कॉन्टिनेंट्स हमारा पूरा हो गया, बस इतने में, इन दोनों में सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। अब आते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा और गर्म दोनों मिला के बात करें तो, पूरे विश्व का सबसे गर्म, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा है ना, लेकिन अगर बात करें ठंडा और गर्म मिलाकर दोनों, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, वही भाई अंटार्कटिका, हमारे पूरे भारत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, चाहे वह ठंडा हो चाहे बड़ा हो, गर्म हो, उन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो अंटार्कटिका मरुस्थल, क्या नाम है, अंटार्कटिका मरुस्थल। फिर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक सागर वाला, अंटार्कटिका नीचे है महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर होता है ना, वो तो ऐसा आकृति, अटलांटिक महासागर को छोड़िए, अंटार्कटिका महाद्वीप एक प्रकार का श्वेत सफेद कलर का है, वो पूरा हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, गर्म और ठंडे को मिला देना तभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा अंटार्कटिका मरुस्थल, याद रखना वो एक कॉन्टिनेंट है लेकिन उसे एक मरुस्थली के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि बर्फ जमा है पूरा, और आर्कटिक दूसरा है, तीसरे नंबर पर सहारा आता है, पूरे ठंडा और गर्म मिलाकर देखें तो, गर्म में तो पहला सहारा आता है, लेकिन गर्म और ठंडा मिलाकर देखें तो सहारा तीसरे नंबर पर आता है, पहले और दूसरे नंबर पर चला जाता है, पहले नंबर पर अंटार्कटिका, दूसरे नंबर आर्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप, महाद्वीप नहीं कहेंगे उसे, एक तरह से हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ जमा है उसे कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं अंटार्कटिका डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं, ठंडा ठंडा मरुस्थल है ना। उसके बाद उत्तर में जो है उसे कहते हैं नॉर्थ, यानी कि उत्तरी, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, वहां पर आर्कटिक सेक्टर है, साइबेरियन एरिया बहुत ज्यादा है, जो साइबेरियन एरिया है वो सारा का सारा रूस में पड़ता है, वहां से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, हमारे भारत में भी आती हैं, लेकिन जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, जो रेंज है हिमालय का, वो रोक लेती है उसे, भारत सेफ हो जाता है, भारत में फसलें आती हैं, अगर वही हिमालय ना होता तो शायद हम, हमारा इलाका यूपी का पूरा बर्फीला होता, ठीक है। तो वहां पर 12 महीने बर्फ आते हैं, कहां पर, साइबेरियन इलाका में, याद रखना, पहला अंटार्कटिका कोल्ड मरुस्थल, दूसरा आर्कटिक, तीसरा सहारा पूरे विश्व का, लेकिन गर्म में सहारा पहला, याद हो गया, याद हो गया ना। अब चलते हैं आगे, अब देखिए एशिया में तो थार मरुस्थल आपने याद किया, थार मरुस्थल, और एक एशिया में और है, याद रखना, एशिया में एक और है, रूब अल खाली मरुस्थल, ये साथियों कहाँ पर है बता देना, ये हमारा अरेबियन वाले इलाके में पड़ता है, अरेबियन क्षेत्र, जो अरेबियन क्षेत्र हमारा है ना, कतर और ईरान, ये सब अरेबियन वाला इलाका है, अरबी ईरान, यमन है ना, यमन, ये सब हैं, सऊदी अरब है, तो ये सारे देश जहाँ पर हैं, जिसे कहा जाता है वहाँ पेट्रोलियम वाला क्षेत्र पूरा का पूरा है ना, जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है, हॉर्मुज, तो बस उसी जगह है आपका रूब अल खाली, नाम से पता चल रहा है कोई अरबी देश है, तो अरबी देश यह चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ याद हुआ, बताना जरा, ये दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है यह चीज़, मतलब एशिया में ही पड़ता है, इस बात को याद रख लेना। अब भारत की बात करें, भारत में सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा, लद्दाख, याद रखना, वहाँ पर जो गर्मी होती है, गर्मी के दिन में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है साथियों, 0 डिग्री तापमान से, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, बस सोच लो, गर्मी के दिन में जब हमारे यहाँ चिल गर्मी, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है, जून वाला इलाका, जून वाला महीना, जब उसमें बारिश होती है, जून मई, मई जून का,
हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर, लेकिन उस समय जो मानसून होता है 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि रहनुमा लायक हो जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत भीड़ ठंडी पड़ती है, उस तरह वहाँ से गर्मी होती है, वहाँ पर गर्मी होती है। अगर बात करें ठंडी में अच्छा क्या हालत होती होगी सर, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड मामूली सा, मतलब एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ का कहा जाता है। ठंडी में -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी हो जाता है, और आपको पता है हमारे जवान वहीं पर डटे रहते हैं, है ना। तो सर्दियों का जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मियों का जो सामान्य तापमान जो सुबह का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पर, और रात होती है जो वह होती है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। तो दोस्तों हमारे जो मरुस्थल हैं, जो डिजर्ट हैं, गर्म मरुस्थल, वहाँ पर कुछ जानवर जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर क्या करना होता है, उनको अपना एक तरह से उनको कहा जाता है असमतापी प्राणी। तो याद रखना जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं उसे असमतापी प्राणी कहते हैं। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं कटीले होते हैं, जो कि अपने पानी को वाष्प उत्सर्जन करने में से रोक सकें, वाष्पन होने से रोक सकें, यानी कि याद रखना ये सारी चीज़ें। जलवायु का एक चैप्टर हम लगाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आप उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं जलवायु का। तो यह बात हो गया, एशिया में सिर्फ दो याद रखना है। अभी आएगा आगे, अब हम एक एक चीज़ें फिर से देख लेते हैं। देखिए अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, चिली में है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, आ गया दक्षिण अमेरिका का। पेंटागोनिया और अटाकामा मरुस्थल यह दोनों के दोनों कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है, चिली में ही हमारा एंडीज पर्वतमाला है, याद रखना पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला है ना ये चीज। तो एंडीज पर्वतमाला भी अटाकामा में, मतलब कि चिली में है। तो चिली में अटाकामा मरुस्थल भी है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक बताते हैं कुछ। देखिए जब चील कौवे उड़ते हैं तो क्यों उड़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर चील कौवे उड़ के नीचे आते हैं तो लगता है हाँ कोई मांस वगैरह का टुकड़ा गिरा होगा, उसके खाने के लिए आते हैं वहाँ पर। तो आते हैं जब तो अटक जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मरुस्थल इतना बड़ा है, मान के चलिए ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर कोई जाता है तो अटक जाता है। अटक गया तो उसकी वहीं पर भुजिया बन जाती है, मतलब वह मर जाता है उसी जगह। मर गया तो चील कौवे जो चील होंगे वो उतरने लगते हैं, चील कौवे मंडराने लगते हैं, उतर कर खाने लगते हैं। चील से चिली और अटाकामा, मतलब कोई अटक गया तो अटाकामा मरुस्थल चिली में है, इस तरह से याद करना। पेंटागोनिया, अगर पेंट पहन के गया तो अच्छी बात, नहीं पेंट पहन के गया तभी मरेगा, वैसे भी मरेगा। पेंट पहनकर गया तब भी चील तो उधेड़ कर खा जाएगा, अगर नहीं गया पहन के तब भी तो वैसे भी खाएगा, इस तरह से याद करना। पेंट पहनकर कहाँ गया था, पेंट पहन के अटाकामा मरुस्थल गया था, अटाकामा मरुस्थल गया था, अटक गया उसी जगह, तो चील कौवे पाए उसे और नोच डाले, इस तरह से याद कर लेना, याद हो गया। उत्तरी अमेरिका में सोनरन मरुस्थल और ग्रेट बेसिन मरुस्थल, बस यही उत्तरी में ग्रेट बेसिन और सोनरन, और एक काराकास डेजर्ट जो है हमारे कनाडा में पड़ता है, सबसे छोटा, याद रखना। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और एक ईस्टर्न मरुस्थल के नाम से भी है अफ्रीका में, याद कर लेना, ईस्टर्न मरुस्थल, सहारा, लीबियन ईस्टर्न, नाबीब और कालाहारी। ये नाबीब कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और ईस्टर्न, लीबियन और सहारा ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं बताना, याद कर लेना, छोटी सी चीज़ें हैं है ना जो कि आपको याद करना चाहिए। देखिए अब आते हैं एशिया में, एशिया में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द सलूट गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल हमारा शीत मरुस्थल है, जो कि चीन और जो आपका एक तरह से कह लीजिए चीन और रूस के बीच में एक देश पड़ता है, जहाँ पे चंगेज खान जहाँ से आता था जी, क्या नाम है उसका, मंगोलिया जो देश है साथियों, वो चीन और रूस के बीच में बिल्कुल पिज्जे की तरह है। तो पूछ लिया जाता है एशिया में कौन सा देश पिज्जे की तरह है, वे पिज्जे के रूप में जाना जाता है, याद रखना। जैसे पिज्जे में आलू भरा होता है ना, उसी तरह सेम हमारा यह देश है, है ना। तो उस देश को, उसी देश में दोस्तों पड़ जाता है आपका कौन सा मरुस्थल, बताना कौन सा मरुस्थल पड़ जाता है भाई, गोबी का मरुस्थल, है ना, गोबी का मरुस्थल, वही जहाँ से चंगेज खान बिलोंग करता था भाई, है ना। तो याद रखना गोबी मरुस्थल हमारे एशिया में पड़ता है, गोबी मरुस्थल, गोबी और द सलूट के नाम से जानते हैं, द सलूट मरुस्थल, ये भी हमारे एशिया में पड़ता है साथी, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसे गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है, मंगोलिया में पाया जाता है, शीत मरुस्थल है, मंगोलिया चीन और रूस के बीच में पड़ता है, यह चीज़ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। एक लद्दाख है, लद्दाख नहीं लिखेंगे तो भैया गलत हो जाएगा, लिख लीजिए लद्दाख शीत मरुस्थल है, गोबी शीत मरुस्थल, लद्दाख भी शीत मरुस्थल। थार आपका कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। रूब अल खाली ये भी गर्म मरुस्थल है, द सलूट भी गर्म मरुस्थल है, ये चीज़ याद रखना। दक्षिण अमेरिका का हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का मैप थोड़ा सा हम देखते हैं। ये हमारे पास थोड़ी सी एटलस है, इस एटलस से हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अगर झलक है तो देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, यह देख रहे हैं, देख लिए होंगे। तो इस वाला इलाका जो इधर वाला इलाका है, इधर वाला इलाका पूरा का पूरा, वो वहाँ पे डिजर्ट आपको नहीं मिलेगा, डिजर्ट इधर मिलेगा। हमने बताया था कि डिजर्ट हमारा हमेशा पश्चिम की तरफ रहेगा, क्योंकि इधर बारिश की माहौल ज़्यादा होते हैं, जलवायु ज़्यादा अच्छा होता है, और इधर का जलवायु कम होता है, इधर गर्म पड़ता है, उमस बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। एक कारण है जलवायु का, जलवायु के चलने का हम बताएंगे। तो देखिए इसमें जितने मरुस्थल हैं साथियों, जिप्सन मरुस्थल, बार्बरटन पर्वत श्रेणी, और आपके कह लीजिए बृहत विक्टोरियन मरुस्थल, यहाँ पे लिखते चलिए, ग्रेट विक्टोरियन, बृहत विक्टोरियन, गिप्सन, हम बता रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन, देखिए सिम्पसन, सिम्पसन, गिप्सन, गिप्सन, है ना, ये सब के सब, ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिप्सन, और एक और है बताना जरा, एक कौन सा है एक कौन सा है, सैंडी मरुस्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंडी, गिप्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, सैंडी, लिख लीजिए, यह बस इतने याद करने हैं हमको, इतना अगर याद कर लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बातें मरुस्थल से बस इतना काफ़ी है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बातें लिख लीजिए। और ज़्यादा डीपली नॉलेज, उतना ज़्यादा डीप भी जाकर हम आपको नहीं बताए हैं जितना जाना चाहिए, और उतना ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं बताए हैं जितना नहीं जानना चाहिए, है ना, जितना आपको आता है। तो अच्छी बात है, अगर आता हो तो आप बस इसे शेयर करेंगे और सारे क्लासेस का रिविजन करेंगे। धन्यवाद।